आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली, आज 42,750 करोड़ रुपए की परियोजना देंगी सौगात। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी, मुख्यमंत्री योगी का वादा, जिले में विकास का खाका होगा तैयार। नितिन गडकरी का संगम नगरी दौरा, आज 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की देंगे सौगात। बारिश और घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड, देश प्रदेश में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। चौबीस घंटे में 992 नए मामले आए सामने, गाजियाबाद में 174, गौतम बुद्ध नगर में 165 नए मामले आए सामने। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड में शामिल होकर परेड की सलामी ली। इसके बाद महिला रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में जाएंगे और फिर 11 बजे पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं 1:15 पर NHAI के शिलान्यास कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग की 7,506 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के, और बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। और आज उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे अलग अलग कार्यक्रम में। आपको बता दें कि आज सुबह ही पहले कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और साथ ही महिला रिक्रूट अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में उनकी सलामी भी ली और 11 बजे पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1:15 पर NHAI के शिलान्यास कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शामिल होंगे। बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ कार्यक्रम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ के? इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अपने कार्यक्रम में रहने दौरे पर जा रहे हैं, आज लखनऊ में है। लखनऊ में कई उनके बड़े कार्यक्रम में, अगर पहले कार्यक्रम की बात करें तो अब तक हो चुका है जो कि वो आपके पुलिस लाइन, लखनऊ पुलिस लाइन गए थे, वहाँ पर उन्होंने महिला आरक्षी हैं, रिक्रूटमेंट है, उनके दीक्षा समारोह में उन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ उन्होंने जो पासिंग आउट परेड है उसकी सलामी भी ली। इसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो महिला आरक्षी हैं उनको सम्मानित किया इस कार्यक्रम, उनके साथ DGP मुकुल गोयल और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर भी मौजूद रहे। तो बड़ा कार्यक्रम था। इसके बाद मुख्यमंत्री के कई बड़े कार्यक्रम हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का 5,000 उनका आवास है, वहाँ पर पेंशन वितरण का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री लभलभा 1 बजे अमौसी रेलवे मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर लगभग 7,506 करोड़ की जो NHAI की परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो परियोजना है उसका लोकार्पण शिलान्यास करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ उस कार्यक्रम में जो राजमंत्री जो आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और साथ ही साथ जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम है। इसका मुख्यमंत्री अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो सिंचाई भवन में जाएंगे और वहाँ पर सिंचाई परियोजना के लोकार्पण भी करेंगे। उसके बाद अगर स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर एक जो है परियोजना है उसका मुख्यमंत्री उसका लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिस तरह से कोरोना आ रहा है उसको देखते हुए जो लहर आ रही है और लगातार कोरोना का मरीज निकल रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि हम लगभग 416 ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, जिसके चलते लगभग 182 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके थे। कभी और कई अन्य ऑक्सीजन प्लांट अभी लगाए जाने बाकी हैं, जिनमें काम होना शुरू होना बाकी है और जिनका काम चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो बन चुके हैं, उनका आज मुख्यमंत्री ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। तो कई बड़े कार्यक्रम हैं, खासतौर से कोरोना को देखते हुए लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य परियोजनाओं की जो आपकी स्वास्थ्य परियोजनाएं चल रही हैं उनकी लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। जी गौरव, जिस तरह से हर रोज कई सौगातें देते हुए नजर आते सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके बाद भी विपक्ष द्वारा ये निशाना साधा जाता है कि कोई काम नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए विपक्षी चुनाव आ गए, विपक्षी का अपना बयान होते हैं, अपने में बयान देते हैं कि काम नहीं हो रहा है, और ये तो हमारे लोकतंत्र की नीति है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है वो काम करती है और विपक्षी उस पर निशाना साधते हैं। हालांकि काम की अलग अलग बातें होती है, कोई काम सिंचाई से संबंधित होता है, कोई एनर्जी संबंधित होता है, और चूंकि चुनावी समय है, चुनाव होने वाले, जैसा कि इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस वार्ता में बता चुका है, तो बड़े कार्यक्रम तो होने होने वाले हैं, तो साथ ही साथ जो सरकारी गतिविधियाँ हैं वो भी लगातार चलती रहती है, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है तो इस तरह के हम कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, इन पर रोक लग जाती है, तो उससे पहले तमाम तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, लोकार्पण के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को कई प्रकार की सौगातें दे रहे हैं। इसी के तहत आज अमौसी में जो मेट्रो स्टेशन है बड़ा कार्यक्रम है, और 7506 एनजीआई की 7506 करोड़ की परियोजनाओं का आज वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें उनके साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, जो कि लखनऊ से सांसद भी हैं। जी, और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और इसको लेकर बीती शाम बैठक भी करी थी टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन अभी वीकेंड लॉकडाउन के ऊपर कोई बात नहीं कही गई है। अभी ऐसा कहा गया कि अभी कोई कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन नहीं लगेगा वीकेंड में, तो क्या चुनावों के बाद ही कोई अब सख्त कदम उठाएगी सरकार? देखिए सरकार, मैं बताऊं कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय मुख्यमंत्री ने टीम 11 बनाई थी, उसके बाद उन्होंने टीम 11 को निरस्त कर दिया था, टीम 9 बनी थी, तब से लगातार वो कोरोना के जो आंकड़े हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मैं अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करूं तो आज से 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना के कोई खास आंकड़े नहीं थे, पर जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर वो लगातार अपनी टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। मैं अगर कल की बैठक की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिस जनपद में अगर 1000 से लगभग मामले आते हैं, उन जनपदों में सारी जो एक्टिविटी है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे स्पा हो, और चाहे जिमनेजियम हो, या जो भी जो आपकी सामाजिक गतिविधियां हैं, उस पर आधी संख्या कर दी जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जो शादियां हैं, जो शादी विवाह समारोह हैं, उनमें भी उन्होंने कहा है खुले स्थान पर लगभग 100, और अगर बंद स्थान पर 100, खुले स्थान पर 200 लोगों के लिए अनुमति उन्होंने दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अभी, हालांकि वीकेंड लॉकडाउन की कोई दिक्कत नहीं है, अभी वीकेंड लॉकडाउन उनका कोई इरादा नहीं है, पर अगर इस तरह मामले बढ़ते रहे तो भविष्य में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जा सकती है। हालांकि कल इसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि वीकेंड लॉकडाउन होगा, पर इसके साथ ही उन्होंने जो कोरोना कर्फ्यू होता है, जो कि अब तक 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक हो रहा था, उस कर्फ्यू को उन्होंने टाइम बढ़ाते 2 घंटे टाइम बढ़ा दिया गया उसका, उस कर्फ्यू को उन्होंने 10 रात को 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक कर दिया है, तो ये बड़ी घोषणा उन्होंने की है। और साथ ही साथ उन्होंने जो निगरानी समितियां हैं उनको भी कह दिया है, और साथ ही साथ जो भी सामाजिक प्रतिनिधि हैं, चाहे पार्षद प्रतिनिधि हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जो आपके विधायक हो, उन सबको उन्होंने निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहां पर निगरानी करें और वहां पर देखें किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसी समितियां बनाई, उन्होंने कहा है कि जाके घर घर जाएं और वहां देखें कि किसको अभी तक वैक्सीन नहीं लगे उसको वैक्सीन लगवाई जाए, और साथ ही साथ अगर किसी को कोरोना की दिक्कत है या पीड़ित है तो उसको सैंपल किट जो है, दवा की किट जो है, उपलब्ध कराई जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो आज कई कार्यक्रम है, और 1 बजे अमौसी मेट्रो स्टेशन पर भी कार्यक्रम है, सीएम योगी के अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, जिसमें 7506 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। तो आज बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देश में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन बहुरूप से बढ़ते खतरे के बीच राजधानी दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है और कई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यूपी में फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया है, पर नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव जरूर कर दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, पहले ये रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहा था। तो वही साथ ही योगी सरकार ने टीम 9 के साथ बैठक की और बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी में 10वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 14 जनवरी तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 992 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 जिलों में सर्वाधिक मरीज सामने आए हैं। बता दें कि गाजियाबाद में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 165 नए मामले सामने आए हैं, बात करें लखनऊ की तो 150 नए मामले लखनऊ से सामने आए हैं, और मेरठ में 24 घंटे में 102 नए मामले सामने आए हैं। तो यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों के जो आंकड़े हैं वो काफी डराने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती है, पहले 10, उसके बाद 20, और ऐसे करते करते 100, और 100 से
कब वो और बढ़ जाती है पता नहीं चलता है, तो अभी जागरूक रहने की जरूरत है। जिस तरह से सरकार सख्ती कर रही है उसका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि जो सख्तियां करी जा रही हैं वो हमारे हित के लिए ही करी जा रही हैं। और बात करें सरकार की, तो सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है राज्य में, और पहले ये 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए था नाइट कर्फ्यू, अब इसे बढ़ा दिया गया है, इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, यानी 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और जो कॉलेज खुले रहेंगे उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से सख्ती करती नजर आ रही है सरकार, क्या कहेंगे, सही है फैसला? प्रदेश में जैसे कोरोना का फैलाव हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर में टोटल अगर बात करें तो 992 केस आ गए हैं और 147 केस लखनऊ में आ गए हैं, और जिसको लेकर टीम नाइन की कल योगी आदित्यनाथ की जो टीम नाइन है उसकी अहम बैठक की गई और कयास लगाए जा रहे थे कि वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है, मगर वहां 11 से 5 लॉकडाउन जो नाइट कर्फ्यू का समय था उसको बदलाव करते हुए 10 से सुबह 6 कर दिया गया है। और हम इससे खास तौर पे कह सकते हैं कि ठंडिये में लोग नहीं निकलते हैं, अगर इस पे रोकथाम करना है तो सबसे पहले वैलियों पे करें। वही अगर बात की जाए तो प्रयागराज के माघ मेले को भी स्वीकृति दी गई है कि वो होगा, और उसमें जो श्रद्धालु जाएंगे उन्हें 48 घंटे पहले RT-PCR किया जाएगा, और कल्पवासियों और जो वहां लोग रहते हैं तट पे जो कल्पवास करते हैं उन्हें विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। जी विभांशु, अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी काफी तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी कई मेले और महोत्सव का आयोजन चल रहा है, तो वहां पे क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी आपको बता दें कि अभी जो माघ मेले हैं वो प्रयागराज में लगता है, अब लखनऊ के अंदर में अगर कोई भी आयोजन होगा तो उसमें 50% के साथ संख्या रखी जाएगी, और जिलों को जो जनपदों को निर्देश दिया गया है कि जिस जनपद में 1000 केस होंगे वहां पे जो भी सामाजिक स्थल है या होटल या रेस्टोरेंट या जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं उसे 50% के साथ खोलने का अनुमति दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें तो कोरोना का जो नियंत्रण है उसमें साफ तौर पे सरकार का कहना है कि मास्क लगाएं और पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हर एक संस्थानों में जो तापमान जो टेम्परेचर लेने की मशीन है उसे उपयोग में लाए और फिर से उसी तैयारी में आ जाए जैसे पहले और दूसरे में हम रहा करते थे। जी विभांशु, स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है, 10वीं तक के कक्षा बंद कर दी गई है कोरोना के चलते, तो बच्चों को बचाने की एक अच्छी पहल है, तो क्या 10 तारीख तक बच्चे वैक्सीनेट भी हो जाएंगे, उनको भी इस बात की सुविधा मिलेगी कि आराम से वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं और घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इस ओर ध्यान दे रही है सरकार, क्या कहेंगे इससे? जी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को जो 6 तारीख से और मकर संक्रांति तक उसको अवकाश दे दिया है, बच्चों को अवकाश दे दिया है। खास तौर पे अगर देखें तो रिकॉर्ड टीकाकरण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और प्रदेश में 1,60,00,000 बच्चे हैं, तो इस 14 जनवरी तक सबके टीकाकरण भी हो जाएंगे और स्कूलों में भी आयोजित की जाएगी टीकाकरण का कार्यक्रम, और जिन बच्चों को टीका लगेगा वो टीका लगने के बाद घर जा सकेंगे और अगले दिन अवकाश मिल सकता है। खास तौर पे बच्चों को टीका जो लगा है तो उसमें बुखार और ये सब जो समस्याएं थी, उलझन या फिर खुजली ये सब हो रही थी, इसको देखते हुए बच्चों को अवकाश दिया जा रहा है, और कह सकते हैं कि अगर मकर संक्रांति तक इसमें टीकाकरण का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, और इससे खास तौर पे बच्चों को ठंड से भी राहत मिलेगी और कोरोना के टीके में भी उन्हें लाभ मिलेगा लगवाने में। विभांशु, जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि क्या ये नए साल का असर है? नए साल में सख्ती तो थी लेकिन उसका पालन नहीं हो पाया। जी आपको बता दें नए साल पे हर एक जगह पे जैसे लोगों का जमावड़ा था और पुलिस ने, आप लखनऊ में अपने वीडियो देखा होगा कि समिट और आलमबाग में
कैसे पुलिस ने लाठियाबाजी, जहां रात में लोग एकत्रित हुए थे, और एक और भी उसका वो कह सकते हैं, जैसे सभी पार्टियां इस बात को मान नहीं रही हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर रही हैं, और इससे साफ तौर पे कोरोना का फैलाव हो सकता है। अगर बात करें ओमिक्रॉन की, तो उत्तर प्रदेश में अब तक 23 ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं, और अगर देखें तो जित विशेषज्ञों का कहा गया है कि अगर ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये ज्यादा फैलेगा तो नए वेरिएंट का भी आगमन हो सकता है, तो हमें अपने बचाव के लिए इन भीड़ से दूर होना पड़ेगा और स्वयं से इस चीज को मानना पड़ेगा कि हम भीड़ में ना जाएं, और जाएं तो खुद को सुरक्षित रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांश जुड़े थे। तो देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं, और बात करें प्रदेश की तो प्रदेश में भी जो मामले सामने आ रहे हैं वो बता रहे कि ये हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। जो हमने नए साल के उपलक्ष में भीड़ इकट्ठा करी और जश्न मनाया पाबंदियों के बावजूद, ये उसी का नतीजा है। और दूसरा नतीजा ये है रैलियों का, जो भीड़ वहां इकट्ठा हो रही है, संक्रमण लेकर आ रही है और अपने आसपास के लोगों में वो संक्रमण बांट रही है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो अभी भी वक्त है, सावधान रहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से रहिए, बचाव ही एकमात्र उपाय है कोरोना को हराने का। अगर बात करें 24 घंटे की, तो 992 नए मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।